केंद्र सरकार ने कहा कि वो देश की इंच इंच जमीन से घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत डिपोर्ट करेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अभी असम में जो एनआरसी है वो असम समझौते का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सभी ने सदन में राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा, जिस घोषणा पत्र के आधार पर हम चुनकर आए हैं उसमें भी ये बात कही गई है। देश की इंच इंच जमीन पर जितने भी अवैध प्रवासी रहते हैं, घुसपैठिए रहते हैं, इनकी हम पहचान करने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हम इनको डिपोर्ट करेंगे। एनआरसी को लागू करने में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। एनआरसी अभी जो असम के अंदर है, असम एकॉर्ड का एक पार्ट है, मगर सबने सदन में राष्ट्रपति महोदय का भाषण सुना होगा और जिस घोषणा पत्र के आधार पर ये सरकार चुनकर आई है वो घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और सरकार के पास 25 लाख से ज्यादा ऐसे आवेदन मिले हैं जिनमें ये कहा गया है कि कुछ भारतीयों को भारत का नागरिक नहीं माना गया है, जबकि एनआरसी में कुछ ऐसे नागरिकों को भारतीय मान लिया गया है जो बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन आवेदनों पर विचार करने के लिए सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। राय ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार असम एनआरसी को 31 जुलाई 2019 तक प्रकाशित किया जाना है।